हाय गाइस, वेलकम टू टेक कुशवाहा यूट्यूब चैनल। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप शादी करने वाले हैं और आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है, चाहे लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, इन दोनों सिचुएशन में आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं और अपनी शादी की ऑनलाइन अर्जी दे सकते हैं और ऑनलाइन अपनी शादी का सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को सभी स्टेट के लिए ऑनलाइन लाइव कर दी गई है। अगर आपको जानना है किस तरीके से ये सारा वर्क कम्प्लीट होता है, तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गूगल पे सर्च है जो भी आपका स्टेट होगा, अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो बिहार मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सर्च करेंगे, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका स्टेट होगा, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन में चेंजिंग कर लेंगे और प्रोसेस सब में सेम होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और लाइव रजिस्ट्रेशन आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है, और अदर स्टेट से हैं तो भी आपके लिए काफी अच्छी वीडियो है ये, आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए, ताकि आप अपने लिए मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर सकें, ठीक है। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हैं तो ये काम आप अपने थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं, ऑनलाइन घर से ही। यहाँ पे हमें क्लिक करना है और गाइस, कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की। तो इसका स्टाम्प वाली साइट, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, ये कुछ इस तरीके से नजर आती है, ठीक है। नागरिक ऑनलाइन सेवाएं में यहाँ पे नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पे विवाह पंजीकरण आता है, आवेदन करें और विवाह पंजीकरण सत्यापन, ठीक है। तो आवेदन करने के बाद यहाँ पे सत्यापन करना होता है, एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उस एप्लीकेशन नंबर को डाल के यहाँ पे सत्यापन करना होता है, आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट प्रोसेस आपको फुल करके दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड की भी जरूरत नहीं आपके पास, डायरेक्टली आपको सिंपली यहाँ पे नवीन आवेदन प्रपत्र भरे इस पे क्लिक करना है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होती है यहाँ पे देख लीजिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका फोटो लगता है 40 KB में होना चाहिए, और आपका पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ये सब लगता है जो PDF में होना चाहिए टोटल, और एक एक फाइल 70 KB में होना चाहिए, 70 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद क्या करना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक शपथ पत्र होता है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में उस ऑफिस का एड्रेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको जाना होता है, और आपका ये प्रोसेस मात्र 2 दिन में हो जाता है कम्प्लीट, ठीक है। आवेदन प्रपत्र भरे इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 3 स्टेप में इस फॉर्म को कम्प्लीट किया गया है, पहले पति का विवरण, फिर पत्नी का विवरण, देन यहाँ पे विवाह स्थल का विवरण। तो यहाँ पे पहले नाम, पति का नाम यानी जो कैंडिडेट है उनका नाम डालेंगे यहाँ पे, फिर माता का नाम, और फ्रेंड्स ये हिंदी में टाइप करना, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे अंग्रेजी में हो जाएगा। तो यहाँ पे गूगल टूल का आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी नहीं है, यानी आप हिंदी में टाइप नहीं कर पाते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। देन उसके बाद से आप कुछ भी टाइप करेंगे इंग्लिश में, वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइज, यहाँ पे मैनुअली आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको पहले बता देते हैं, फिर इसको भर लेते हैं। गाइज, यहाँ पे अगर माता पिता आपके शादी में उपस्थित नहीं है तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हैं तो इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली से ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे अविवाहित पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जन्म तिथि टाइप करेंगे एंड यहाँ पे ईमेल टाइप करेंगे, देन यहाँ पे नेशनलिटी में भारतीय चूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पति का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, नाम, माता पिता का नाम, अविवाहित, देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एंड यहाँ पे निवास का पता यहाँ पे टाइप करेंगे, यानी जो परमानेंट आपका एड्रेस है निवास, वो आप चूज करेंगे। तो चयन करें पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सहारनपुर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंग्लिश में चूज हो चुका है। तहसील यहाँ पे आएंगे, तहसील में, तो हमने ये सारी चीजें हिंदी में फिल कर दिए। देन यहाँ पे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, पेज रिलोड होगा। पत्नी का विवरण यहाँ पे आपको टाइप करना है, जिस तरीके से पति का विवरण था उसी तरीके से यहाँ पे पत्नी का विवरण आ चुका है। तो देखिए, यहाँ पे पत्नी का नाम और विवाह से पहले क्या नाम है, अगर पत्नी दूसरे नाम से जानी जाती है तो यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर कोई नाम नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे माता का नाम और यहाँ पे पिता का नाम टाइप करना है। अगर शादी के टाइम लड़की घर वाले यानी माता पिता अवेलेबल है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, अगर अवेलेबल नहीं है ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे गवाह का यहाँ पे देना होता है, तो चलिए इसको हम अनटिक कर देते हैं। तो चलिए इन सभी को फिल कर लेते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं। पत्नी का एड्रेस कुछ इस तरीके से फिल करेंगे, यहाँ पे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, एक बार अपने फॉर्म को यहाँ पे देख लेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट 2022 का प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए, विवाह स्थल का विवरण यहाँ पे देना आपको, जहाँ पे शादी हुई थी उस जगह का नाम यहाँ पे भर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विवाह स्थल का डिटेल फिल करने के बाद विवाह की तारीख यहाँ पे डालनी होती है, जिस डेट में आपकी शादी हुई है। विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार यहाँ पे क्लिक करते ही पति का निवास, पत्नी का निवास, विवाह स्थल, तो यहाँ पे
पति का निवास चूज कर लेंगे। ठीक है, पति का निवास चूज करते ही पति का यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जनपद में आप चूज करेंगे जो सबसे नजदीक में यहाँ पे ऑफिस होगा जहाँ से सर्टिफिकेट आप हासिल करेंगे। इस तरीके से आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आप इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, देन यहाँ पे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे एक आवेदन संख्या मिल चुकी है एंड यहाँ पे पासवर्ड मिल चुका है, तो हम यहाँ पे सिंपली से कॉपी कर लेते हैं। छायाचित्र एवं प्रमाण पत्र अपलोड करें, इस पे क्लिक करेंगे। पति का छायाचित्र यानी प्रमाण पत्र यहाँ पे, तो पति का यहाँ पे फोटो अपलोड करना है एंड पहचान पत्र में आप चूज कर सकते हैं। तो इनका पासपोर्ट है तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट चूज कर लेता हूँ। और गाइस ध्यान रहे, हर जो भी फाइल आपकी ये 70 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सब पे, और ये सारी फाइल PDF में होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 KB होनी चाहिए। इसको ऑलरेडी पहले ही मैंने साइज रिसाइज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले फोटो अपलोड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पति का फोटो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल करनी होती है। तो फोटो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। इसको मैंने 30 KB में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आप इसी तरीके से इन सभी प्रोसेस को कम्प्लीट करेंगे। तो गाइज यहाँ से मैं आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पत्नी का डिटेल यहाँ पे मुझे नहीं मिल पा रहा है। पत्नी का हाई स्कूल ये इन्होंने मुझे नहीं बताया था पहले। ये साक्षी का डिटेल हो गया यानी गवाह का। यहाँ पे पत्नी की डिटेल में इनके पास सब कुछ है। यहाँ पे पहचान में पैन कार्ड लगा देता हूँ, निवास में आधार कार्ड लग जाएगा। बट यहाँ पे आयु साक्ष्य में इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, हाई स्कूल का मार्कशीट भी नहीं है, ये भी नहीं है, जिसकी वजह से ये काम यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इनसे जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ही मुझे देंगे तो इनका प्रोसेस कम्प्लीट करके मैं इनको सबमिट कर दूंगा और इनकी फाइल आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये है कम्प्लीट प्रोसेस। यहाँ पे सुरक्षित करें पे क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, जैसे इसको सबमिट करेंगे आपको एक प्रिंटआउट मिलेगा रसीद। उस प्रिंटआउट को लेके यहाँ पे इन सभी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जैसे कि पत्नी का, पति का और गवाहों का जो भी डॉक्यूमेंट है, इन सभी को लेके आपको ऑफिस जाना है। इस ऑफिस पे जो आपने ऑफिस अभी थोड़ी देर पहले चूज किया था, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील वाले एड्रेस पे जाना है। आपका वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम 7 डेज में आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और आप आसानी से अपने किसी भी वर्क में इंक्लूड कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इस कंटेंट से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए, इसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।